ना तो बहू मेरे पास है और ना बेटा, और ना वो सम्मान जिसे हाथ पर रखकर कम से कम देख सको, ये फोटो खींच सको। हमारे यूपी और बिहार की बहुएं ऐसी नहीं होती, वो हमारे साथ रहती हैं। ये कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता का। पिछले साल सियाचिन में अपने साथियों को बचाते हुए शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार को उनके साहस और वीरता के लिए 5 जुलाई को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन अब अंशुमन सिंह के माता पिता का एक और दर्द सामने आया है। अंशुमन सिंह के माता पिता ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अंशुमन की पत्नी अब हमारे साथ नहीं रहती। उनकी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे और उनका कोई बच्चा नहीं है। अंशुमन की पत्नी स्मृति सिंह अपने ससुराल से मायके चली गई हैं। वो अपने साथ अपने शहीद पति की सभी यादों को ले गई हैं। शहीद के माता पिता के मुताबिक स्मृति सिंह अपने साथ पति की फोटो, एल्बम, उनके कपड़े समेत उनकी कई यादें समेट ले गई। उनके साथ ही वो अपने साथ कीर्ति चक्र भी ले गई। शहीद की पत्नी स्मृति सिंह अब अपने मायके गुरदासपुर चली गई हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास केवल एक ही चीज़ बची है, वो है उनके बेटे की दीवार पर टंगी फोटो। इसी के साथ अंशुमन के माता पिता ने सैनिक की मौत की स्थिति में परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता के लिए बनाए गए कानून में बदलाव की मांग की है। उन्होंने भारतीय सेना के निकटतम परिजन नीति मानदंड में बदलाव की मांग की है। दरअसल अगर हम बात करें एनोकी की, तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू किन, निकटतम परिजन। जब कोई भी शख्स सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावक का नाम निकटतम परिजन के रूप में दर्ज किया जाता है, यानी कि वो शख्स उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है। जब कैंडिडेट शादी कर लेता है तो पति या पत्नी एनओके रिकॉर्ड में उसके माता पिता की जगह ले लेते हैं। वहीं इस मामले पर जब शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह से कुछ सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी इस पर कोई भी जानकारी नहीं है। जैसे किसी की सोच होगी वो वैसा ही कहेगा। मुझे इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है, फिलहाल मैं बाहर आई हूँ। बता दें कि शहीद अंशुमन की पत्नी स्मृति पेशे से इंजीनियर हैं और उनके पेरेंट्स स्कूल के प्रिंसिपल हैं। स्मृति के पिता राजेश सैनी ने भी इस मामले पर कुछ भी कहने से साफ साफ मना कर दिया है।